आपका क्या नाम है आपका? मेरा नाम नयाब अहमद है। तो ये दो मिनट में आप मुझे बताएंगे, इनके आप अपने जबान से बताएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। जैसे विलायक साहब का था हमारे, तो इनसे पहले बताते हैं कि एक बाबा थे, शेख शाह बाबा थे, तो नसरुद्दीन शाह बाबा, इनकी क्या क्या कहानी है? उनकी कहानी है कि वो यहाँ बुजुर्ग थे आपसे भी पहले, जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए तो आपसे और इनकी बहस हुई, तो उन्होंने इनसे ये फरमाया कि आप तो वहाँ से आए हो जहाँ पे बिच्छू पैदा होती हैं, आपकी रेत पर बिच्छू पैदा होती हैं। तो आपने फरमाया कि मैं वहाँ से ज़रूर आया हूँ, यहाँ बिच्छू ज़रूर पैदा होंगे पर बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ये आपने कहा उनसे कि मेरे यहाँ बिच्छू पैदा ज़रूर होंगे पर मेरे यहाँ बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तो ये आपकी दुआ है कि यहाँ बिच्छू नहीं काटता। तो आपने गुस्से में उनसे ये कहा, नाराज़ होकर के, आपके मज़ार पर खोए हुए घोड़े और गधे मिलेंगे। तो वो आज भी जिंदा करम आते कि अमरोहा के अंदर कोई भी घोड़ा गधा खोता है उन्हीं के मज़ार पे मिलता है। अच्छा, ये भी सही बात है, ये भी सुनात है। अच्छा, जो इनकी साहबजादा थी सैयद साहब की, इनके बारे में था कि एक इलायची का यहाँ झाड़ था, एक साहबजादी थी इनकी, एक इलायची का पेड़ हुआ करता था, जो जब आपने दुनिया से पर्दा करा तो आप समा गए धरती के अंदर और चोटी बाहर रह गई, उस चोटी का एक पेड़ बन गया था, बिल्कुल टू कॉपी चोटी जैसा पेड़ था वो। तो उसमें चैत के महीने में एक दाना आता था, इलायची दाना, बहुत बारीक मीठा, वो प्रसाद के तरीके से देते, प्रसाद की तरह वो यहाँ लोग चुकते थे सुबह के टाइम में और खाते भी थे। अब तकरीबन ये 6-7 साल से वो चोटी ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ असरात वगैरह का भी इलाज होता है, तो उस पर जो है जिन पे असरात होते थे उन पे फांसी खाते थे गुद्धों पे लटक लटक करके, तो इसलिए वो चोटियाँ ख़त्म हो गई है। अच्छा, जो ये अब एक तिरछी मज़ार थी यहाँ पर, इसकी क्या कहानी है? कहानी है कि वो एक आम आदमी थे, मतलब जैसा हम इंसान ही थे, आम जैसा अब हमें, तो उनका जो काम था तो नाच गाने का काम था उनका, तो ये तो ऊपर वाली की कृपा से उनकी कबर आड़ी है हम, कुदरते हैं वो अपने आप ही। अच्छा, जो ऊपरी असर जो है, ये जो सारा ये इसका, ये जो इसको जन्नात बोले, पेट पेट बोले, असर जो होता है तो यहाँ बाबा के यहाँ आकर के उसका चिल्ला बनता है 11 दिन 21 दिन 40 दिन, चिरागी वगैरह होती है, अपने तेल पानी इस्तेमाल करते हैं यहाँ का, तो उससे जो है तो इलाज बाबा का हाँ सही हो जाते हैं, लोग बहुत पुलित कर चले जाते हैं। ऊपरी असर का तो हमने सबसे अच्छा वो जो देखा था बदायूं में, बदायूं ये ऐसा होता है सर कि जैसे बदायूं में बड़ी अदालत है, ये छोटी अदालत है, और दरगाहें हैं तो वहाँ भी और बड़ी, अजमेर है, कलियर है, वहाँ बड़ी अदालत है, तो ये अदालतों के हिसाब से केस होती हैं, जिसकी अदालत का जहाँ केस होता है उसको। इनमें सबसे बड़े निज़ामुद्दीन औलिया, ये फिर इसमें इनके वालिद साहब थे बदायूं वाले, बड़े सबसे बड़ी जो अदालत है इनकी तो बदायूं में है, बदायूं से ही ट्रांसफ़र होती हैं केस। अच्छा, मेन बदायूं हैं, मतलब वो कहते हैं वहाँ फांसी दी जाती है, ये लगती है, जिसका केस यहाँ का होता है हुक्म यहाँ होता है उसको यहाँ फांसी लगती है, जिसको हुक्म बदायूं को होता है उसे बदायूं फांसी लगती है, जिसको कलियर का हुक्म होता है उसे कलियर में जा कर के फांसी लगती है। तो ये आपके, आपको तो काफ़ी तजुर्बा हो गया यहाँ देखते देखते, तो ये आप कितने परसेंट मानते हैं जो आते हैं इस टाइप के, जो लोग परेशान लोग, कितने लोग ठीक हो जाते हैं, 100% या 70%? नहीं, यहाँ पे तो ये है कि 100% ठीक ही होते हैं, पर ये कि कुछ समय से पहले ठीक हो जाती हैं, कुछ ज़्यादा समय लगता है जिनको ठीक होने में, जिसका पुराना होता तो उसको ज़्यादा समय लग जाता है। इनके लिए आने के लिए कोई ख़ास दिन है जो परेशान लोग जाते हैं? ये ख़ास दिन बृहस्पति का ही होता है, वैसे तो 24 घंटे दरगाह खुली रहती है, किसी भी दिन आप आ सकते हैं, किसी भी टाइम आ सकते हैं, पर मानता जो है तो ज़्यादातर वो वीरवार की है, बृहस्पति की। अच्छा, बिच्छू ये जो परिसर है आपका, इसके बाहर ले जाएंगे तो बिच्छू काट लेगा यहाँ पे? गेट से बाहर आप लेकर जाएंगे, मेन गेट से बाहर 52 बीघे का रकबा है आपका, 52 बीघे के रकबे में आप बिच्छू कहीं भी लेकर घूमो नहीं काटेगा, 52 बीघे के रकबे से आप बाहर जाओगे बिच्छू फ़ौरन काट लेगा। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत आपका, आपने इतनी जानकारी दी, और इसको मैं इंशाल्लाह सारे में, हम तो कहते हैं अच्छी चीज़ें, हमारा तो उद्देश्य है ना कि जितनी भी अच्छी चीज़ें ये सारी दुनिया में फैले, है ना, लोगों को मालूमात हो चाहिए, जागरूकता है, मालूमात होनी चाहिए। शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।